श्रीमती वंदना डाले मैम से, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक अलग तरह की जिम्मेदारियों का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ, जले ज्योत से ज्योत निरंतर, गहन तमस बढ़ जाए, संस्कार संस्कृति समागम सुधि जन ही हर्षाए, एक ऐसा दीप। आप सभी अभ्यर्थियों का भी हम एक बार जोरदार ताले के साथ स्वागत भी करेंगे, शुभकामनाएं भी देंगे और बधाइयां भी। पत्रलेख जी, हमारे साथ मंच पर उपस्थित मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार बिल्कुल हमारे सामने हैं। जब आप सभी जो सफल अभ्यर्थी यहाँ बैठे हैं, तो अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूँ, कृपया अभ्यर्थियों को अंगवस्त्र और नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कदम द्वारा प्रदान किया जा रहा है। श्री नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय भैया अमित कुमार पाला। तालियां जोरदार होती रही है और ये प्रशासनिक में अचना स्मृति खल को रांची, और अब तालियों के बीच में रहा है प्रोफेशन पदाधिकारी के रूप में सोमा खंडाल वेस्ट सिंभू। सोमा खंडाल सिंह कला तालियों में कमी हो रही है, जोश बनी रहनी चाहिए। विश्वास रखने वाले बेहद ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आपसे भी ऐसे ही कार्यों की अपेक्षा रखते हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी, आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद देते हुए। और मैं राज अलग हुए हम लोगों का 20 साल हो गया, और आप अंदाजा लगा सकते हैं 20 साल में झारखंड प्रशासनिक सेवा या जेपीएससी के नियुक्ति नियमावली भी नहीं बन पाई थी। हम लोगों ने बहुत कम समय में उसकी नियुक्ति नियमावली भी बनाई और तेजी से नियुक्तियां भी प्रारंभ किया है, और ये सभी आप लोगों के सामने है। कई वर्गों में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र भी वितरण किए, आज उसी का फल है कि छठी जेपीएससी के मुकाबले इस बार 1000 दिन से भी अधिक लगते थे उसको रिजल्ट प्रकाशित होने में, वही आज हम लोग लगभग 250 दिन में परीक्षा फल निकाल कर आप लोगों को नियुक्त भी कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात तो यह है कि इसमें लाखों नौजवान अपना किस्मत आजमा रहे हैं और प्रयासरत हैं अभी भी। इस बार की नियुक्ति में पिछले की तुलना में 4 गुना अधिक कैंडिडेटों ने हिस्सा लिया, और हम लोगों का जो एग्जामिनेशन सेंटर भी था वो भी 4 गुना बढ़ा, और रिजल्ट प्रकाशन में भी 4 गुना समय हम लोगों ने कम लगाया। झारखंड अत्यंत पिछड़ा राज्य है, यहां गरीब किसान मजदूर आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समुदाय का लोग बड़े पैमाने पर, इनकी बहुलताएं हैं। और वो गरीब एक एक रुपया के लिए तरसता रहता है,
आज उन गरीबों को ध्यान में रखकर हम लोगों ने पूरे राज्य में हमारे राज्य की जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, विधवा महिला हो, एकल महिला हो, विकलांग व्यक्ति हो, महिला हो, सभी के लिए हम लोगों ने पेंशन यूनिवर्सल कर दिया कि आज एक रुपया के लिए भी वो किसी पर निर्भर ना रहे। और आज इसी प्रकार यहां जेपीएससी के एग्जाम में 600, 700, 800 रुपया फॉर्म भरने के लिए लिया जाता था, तो आपकी सरकार ने 50 रुपया और 100 रुपया में आप लोगों को फॉर्म उपलब्ध कराया, ताकि अधिक से अधिक बच्चे भर सके। आज इस अभ्यर्थियों के बीच 252 अभ्यर्थी यहां चुने गए हैं, कैंडिडेट साहब बैठे हैं। कई खट्टे मीठे अनुभव के साथ हम लोग यहां एकत्रित हैं, और आइए सुनकर आपको ताजुब होगा कि आज उन 252 अभ्यर्थी में से लगभग 32 अभ्यर्थी ऐसे ये बैठे हैं जो बीपीएल परिवार से आते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन बच्चों ने किन परिस्थिति में आज यहां के मुकाम को पाया है। आज ये समझिए कि ठीक है, हम कुछ लोग जरूर मध्यम वर्गीय में हैं, लेकिन ये पूरा राज पिछड़ा है। हम उस राज के वासिंदे हैं जो अपने आप में ये राज बीपीएल में है, और इसको आज बीपीएल से कैसे बाहर निकालेंगे, इसका संकल्प लेने का दिन हमेशा होनी चाहिए। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।